हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको ये अपाची RTR है 180 बाइक। इसमें हम इसका क्लच पल्ला खोलेंगे और इसमें देखेंगे क्लच पल्ला में खोल के आपका हब सेंटर और क्लच प्लेट कितनी कट गई हैं कितनी नहीं कट गई हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। ये RTR 180 बाइक है, इसकी किक खोली जा रही है, किक खोल चुके हैं आप। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल DK बाइक 9695 हैज, ये हमारा यूट्यूब चैनल है भाइयों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखें जिससे हमको हेल्प मिल सके। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। ये 8 नंबर सॉकेट मैंने उठाई और ये सारे 8 नंबर बोल्ट, इसमें क्लच चेंबर वाले बोल्ट खोलूँगा, ढीले करूँगा जिससे हमारी ये क्लच चेंबर खुल जाएगा और हम क्लच प्लेट खोलेंगे इसके अंदर। पहले क्लच चैम्बर खोल लेते हैं एक एक करके सारे बोल्ट। वीडियो पूरा अंत तक देखें जिससे आपको नॉलेज हो सके कैसे क्या खोला जाता है, क्या क्या खोला जाता है और क्या चेंज किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें भाइयों। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल गाइड खोलो, और दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल है DK बाइक सर्विस। आप सर्च मारेंगे यूट्यूब पे आ जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए ये एक एक करके 8 नंबर हम पेज खोल ले रहे हैं ये क्लच चैम्बर के। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, आपको भाइयों सपोर्ट करें हमारा प्लीज़, आपका आभारी रहूँगा। वीडियो पूरा अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके इस वीडियो के बारे में। हमारा बताने का क्या तात्पर्य है यही आप वीडियो पूरा देखेंगे जिससे आपको जानकारी होगी। ये एक एक करके हमने क्लच चैम्बर वाले बोल्ट खोल लिए हैं और अब इसको हम हीरे से भी निकालेंगे। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो पूरा अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। अब एक एक करके बोल्ट हमने निकाल लिया है। अब देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, इसका क्लच चैम्बर खोला जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ये देखिए कैसे क्लच चैम्बर खोला जा रहा है। वीडियो पूरा अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। ये खोल लिया गया है क्लच चैम्बर। ये है RTR 180 बाइक। अब इसमें हम 10 नंबर सॉकेट के माध्यम से इसके क्लच चैम्बर वाले बोर्ड खोलेंगे। इसमें स्प्रिंग वगैरह टाइट रहती है, वो दूसरा इसमें फंसी रहती है। वीडियो ये देखिए थपकी के माध्यम से हम एक एक करके ढीला कर लेते हैं 10 नंबर बोल्ट। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल पे। वीडियो पूरा अंत तक देखें, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें जिससे कि भाइयों सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट करना हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। एक एक करके हम सारे चारों बोल्ट खोल लेंगे।
वीडियो देखते रहिए, हमारा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छी वीडियो अच्छी लगे तो। ये क्लच चेंबर वाला बोल्ट है जो हब सेंटर वगैरह टाइट रहता है, इसको खोल लिया है, देखते रहिए। और ये वॉशर इसमें लगी रहती है एक बड़ी सी गोल सी। और ये हब सेंटर निकाला, ये क्लच प्लेट निकाला, इसका हब सेंटर क्लच प्लेट कट गया है। हम इसका फुल इंजन बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे, आपको फुल इंजन RTR 180 का डालेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें भाइयों, आपका सपोर्ट चाहिए हमें आगे कुछ बढ़ने के लिए। हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।